particular disease. In the Department of Horticulture, even Achabal ke allied sector, Department of Agriculture, the Shore, Fisheries, the Shore. In the Department of Horticulture, even Achabal ke allied sector, the Shore, तो ड्राई फ्रूट्स के साथ कीवी होते हैं, बड़ी डिमांड है कश्मीर में। तो यहाँ का अगर फ्रेश फ्रूट मान लीजिए थोड़ा छोटा रहता है, उसका 7 ग्राम होना चाहिए, तो यहाँ 60-70 ग्राम ये भी आता है, लेकिन ड्राई फ्रूट में उसकी काफ़ी अहमियत है। मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, ताकि आप ऑनलाइन इस बारे में सोचो। तो ड्राई फ्रूट में यहाँ काफ़ी बिजनेस बढ़ी है, जैसे आपने कंपनी नहीं करता तो वहाँ हमारा मार्केट उधर भी है, तो मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो लेकिन क्वालिटी पर ज़्यादा जोर दे रहे हो, और ईमानदारी से करो, करिएगा जो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में अशफल यहाँ MCC जो हमारा ये यहाँ कैनिंग सेंटर है, यहाँ हमने आज कैंप किया, जिसमें 40 से 50 जो हमारी तलबा व तालिबा थे या अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उनको हमने ट्रेनिंग दी यहाँ MCC साहब अल्ताफ साहब ने, और मैडम जो LDO अशफल है उसने भी शिरकत की। तो इनको आज दिखाया गया कि ये जो चाहे टमाटो प्यूरी है या कोयनस का मरबा है या जूस कोई बनाना है या अचार बनाना है, इसको इनको आज बेसिक ट्रेनिंग दी गई। ये 1 डे ट्रेनिंग कैंप था, तो इसमें आप लोगों ने बड़ी इसमें दिलचस्पी दिखाई, तो उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया और यहाँ पर थ्योरी भी उनको सिखाई गई। तो आप लोगों की डिमांड ये है कि इनमें और कैंप्स किए जाए। तो यहाँ अच्छा खासा ये कैनिंग सेंटर है जिसको वाइब्रेंट बनाने की ज़रूरत है। ऐसे कैंप्स तो मुझे लगता है कि हर महीने, अगर हर हफ्ते नहीं तो हर महीने में एक होना चाहिए, और आसपास के जो गाँव हैं इनको मदद करें। तो अभी विंटर आ रहा है, लोग बैठे हुए हैं, और अगर स्टूडेंट्स भी आएंगे या जो घर में बैठे हुए लोग हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, उनको भी आगे आना चाहिए और इस ट्रेनिंग से इस्तेफादा आना चाहिए, ताकि वो अपने यूनिट्स कायम कर सके। और साथ साथ में यहाँ कुछ यूनिट होल्डर्स भी थे जो सक्सेसफुल यूनिट होल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपनी आरा और अपनी जो उनका तजुर्बा था उन्होंने शेयर किया लोगों के साथ, और ये बड़ा ही मुस्तफ़ीद रहा। और हम आइंदा इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम ज़रूर करें।